नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज बिहार विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के नतीजे आ रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लोकसभा समस्तीपुर के उपचुनाव के नतीजे या रुझान उसके क्या कैसे हैं अभी। तो सबसे पहले अभी हम जानते हैं प्रिंस राज वहाँ से LJP के उम्मीदवार हैं, वो 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रिंस राज के बाद अब हम चलते हैं यहाँ के विधानसभाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिमरी बख्तियारपुर का। तो सिमरी बख्तियारपुर में अभी 796 वोटों से VIP के उम्मीदवार मुकेश सहनी की पार्टी है, उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। उसके बाद बेलहर में जानते हैं तो RDD के उम्मीदवार रामदेव यादव 3400 वोटों से आगे चल रहे हैं। दरौंदा में कर्ण सिंह जो कि BJP के बागी उम्मीदवार हैं और निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा, 934 वोटों से आगे चल रहे हैं। नाथनगर में जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल हैं, ये 1089 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं किशनगंज में स्वीटी सिंह 2826 वोटों से आगे चल रही हैं। तो इस तरह से अब तक के ये रुझान हैं जो कि इन विधानसभाओं के रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक नज़रिए को जान लें कि क्या कुछ रहा है इनके चुनावों के लेकर। तो सबसे पहले दरौंदा विधानसभा के बारे में, इस विधानसभा में कविता सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में MP बनने के बाद यानी कि सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। यहाँ से उनके पति अजय सिंह जो है वो कैंडिडेट के रूप में उम्मीदवार बने हैं, और यहाँ से RJD के उम्मीदवार उमेश सिंह हैं, जिनके बीच अजय सिंह और उमेश सिंह के बीच में सीधी टक्कर है। और किशनगंज विधानसभा का देख लें क्या स्थिति है, किशनगंज विधानसभा बन रही है। तो किशनगंज विधानसभा में डॉक्टर जावेद के सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई। डॉक्टर जावेद के सांसद बनने के बाद वहाँ से उनकी माँ सईदा बानो को उम्मीदवार बनाया गया है, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहाँ से NDA की तरफ से स्वीटी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, और इस पे BJP ने यानी NDA गठबंधन की बात करें तो तीसरी बार इन पे भरोसा किया गया है, जो कि अभी 2826 वोटों से आगे चल रही है। यहाँ से AIMM के भी उम्मीदवार हैं, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि AIMM के उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस की वोट काटेंगे। तो अगर ये कांग्रेस की वोट काटने में सफल रहें तो यहाँ से स्वीटी सिंह को जीतने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बेलहर विधानसभा की बात करें तो बेलहर विधानसभा में गिरधारी यादव के सांसद बनने के बाद से ये सीट खाली हुई। तो वहाँ से गिरधारी यादव के भाई लालधारी यादव को यहाँ से टिकट मिला है, जबकि RJD की तरफ से रामदेव यादव को मैदान में उतारा गया। रामदेव यादव यहाँ से पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो यहाँ पर सीधी जो लड़ाई है वो लालधारी यादव और रामदेव यादव के बीच में है। अब हम बात करते हैं सिमरी बख्तियारपुर की। सिमरी बख्तियारपुर में अभी जो स्थिति है, अभी जो रुझानों की स्थिति है, इसमें VIP यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी लीड कर रही है। मुकेश सहनी की पार्टी अभी हाल ही में 2019 की विधान लोकसभा चुनाव के समय में ये पार्टी का अस्तित्व बिहार में आया था। उसके बाद से सिमरी बख्तियारपुर में इसका इस तरह से प्रदर्शन एक अच्छी खबर है VIP के लिए। यहाँ से दिनेश चंद्र यादव के सांसद बनने के बाद से ये सीट खाली हो गई थी, और इस उपचुनाव में जदयू की तरफ से अरुण यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं RJD की तरफ से जफर आलम जो है उम्मीदवार में हैं। सिमरी बख्तियारपुर से दिनेश कुमार निषाद जो हैं यहाँ के उम्मीदवार हैं VIP की तरफ से, और यहाँ से दिनेश कुमार निषाद जो हैं 736 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं नाथनगर की। नाथनगर सीट पर जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल चुनाव मैदान में है, वहीं RJD की तरफ से रविया खातून चुनाव मैदान में है। रविया खातून के बारे में बताते हैं, रविया खातून को लेकर RJD बहुत सीरियस रही थी अपने चुनाव प्रचार के दौरान। RJD बार बार कहती रही कि ये हमारे जमीनी नेता है जिनको हमने टिकट दिया है, हमने बाहर से किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा है। रविया खातून को लेकर RJD बार बार अपने चुनाव प्रचार में ये बोलते रही कि रविया खातून को हमने जमीनी स्तर के नेता कहा है, और इनके जो बड़े नेता हैं जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव, इन सबों ने इसकी बड़ाई की थी। और रविया खातून की बात करें तो रविया खातून लक्ष्मीकांत मंडल से पीछे चल रहे हैं, 1080 वोटों से लक्ष्मीकांत मंडल आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल RJD की मुश्किलें बढ़ती ही नज़र आ रही है इस क्षेत्र पर, जबकि यहाँ से ये उम्मीद की जा रही थी कि रविया खातून उम्मीदवार होगी। यहाँ एक दूसरा मामला ये भी बनता है कि मांझी और सहनी की पार्टी ने मिलकर जो कि महागठबंधन के सदस्य रहे थे, इस उपचुनाव में
इस विधानसभा पर यानी कि नाथनगर विधानसभा पर दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो अजय राय जो हैं आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रबिया खातून को अगर अजय राय समर्थन कर रहे होते महागठबंधन के साथ होने के साथ ही, तो ये वोट का जो अभी प्रतिशत बता रहा है कि 10-26 वोट से आगे चना लक्ष्मीकांत मंडल शायद इसमें कुछ हो सकता था, फिलहाल ऐसा कुछ बनता दिख नहीं रहा है। तो आगे के और उपचुनाव में जो नतीजे आएंगे या फिर जो अभी रुझान चल रहे हैं उसके आगे के अपडेट के लिए बिहारी न्यूज़ के साथ हम जुड़े रहे बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।